नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिधि खोरावास व्लॉग। बहुत अच्छे दिन के साथ चलिए आज के दिन की सुबह सुबह शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज भी जाना है वेडिंग हॉल पे। वहाँ पे आज भी बहुत सारी मात्रा में प्रसादी बनेगी। वैसे 3 दिन तक ये प्रोसेस होती है। कल तो मैं नहीं गई थी ज्यादा वक्त वहाँ पे, क्योंकि घर पे ढेर सारा काम था और थोड़ा मार्केट में भी काम था, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी जाऊंगी। अभी टाइम अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि अभी खाना भी बनाना बाकी है। वैसे तो अभी सुबह के 8:30 बजे है, सो ब्रेकफास्ट बनाना भी बाकी है। फटाफट से पहले हेमल को जगाती हूँ एंड देन उसके बाद हेमल जाएंगे वहां पे और मैं थोड़े टाइम बाद जाऊंगी या फिर उसके साथ भी चली जाऊंगी, कुछ अभी पता नहीं है। पहले हेमल को जगा के फटाफट से काम स्टार्ट कर देती हूँ। A few moments later. सारा काम मेरा कम्प्लीट हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे किचन में खाना बनाने के लिए और हेमल जा रहे हैं वेडिंग हॉल पे जहाँ पे प्रसादी बन रही है वहाँ पे। देखिए, इसमें व्लॉग आ रहा है कल का, नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके व्लॉग देख लीजिए जो आज सुबह सुबह आया है ना, वो उसमें भी हम लोग किस तरह से प्रसादी बनाए हैं उसकी छोटी सी झलक दिखाई है। आज भी प्रसाद वहाँ पे बनेगा, सो हम लोग जल्दी जल्दी से वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि सब साथ में होते हैं ना तो बहुत ज्यादा ही मजा आता है। फिलहाल अभी तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि किचन में जाके खाना बनाऊंगी दोपहर का। खाना बनाने के बाद मैं जाऊंगी वहां पर, बोली थी कल की जल्दी जाऊंगी, बट घर का काम इतना होता है ना तो नहीं जा पाते जल्दी जल्दी से। जैसे ही हेमल आया ना वेडिंग हॉल से, सीधा हम लोग लंच करने बैठ गए हैं और आज लंच में बना है एकदम से अच्छा वाला खाना। बाजरी का गरम गरम रोटला, साथ में है यहाँ पे बेसन के गट्टे की सब्जी और कच्ची कच्ची केली, और मेरे लिए मैंने बनाया है चावल, क्योंकि हेमल को चावल नहीं खाने थे। चलिए अभी खाना खा के मुझे भी जाना है, सो खाना खा लेते हैं पहले, भूख लगी है। लंच करने के बाद जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश किया और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि जा रही हूँ मैं वेडिंग हॉल पे जहाँ पे प्रसादी बन रही है। और हेमल भी आ गए हैं वापस से मार्केट में, अपना काम फिनिश करने के लिए गए थे। हाय हेमल, जय श्री कृष्ण। हाय, जय श्री कृष्ण। कहाँ पे थे आज? तो बहुत बिजी थे आप। बस मार्केट में थोड़ा काम था इसलिए फिनिश करने गया था, कल भी नहीं हुआ था, कल संडे था ना इसलिए। हाँ, बट आप सुबह सुबह वहाँ पे गए थे ना, बहुत खड़ा थे सपनों की दुनिया में थी, सपनों की दुनिया में थी। मैं खड़ा थे, माँ के कभी सोती ही नहीं आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं करने का मेरे साथ, क्यों ऐसा मजाक होता है? खड़ाटे लेते हैं आप, मैं नहीं सो पाती हूँ। सुबह गए थे हेमल, फिर थोड़ा बहुत काम था इसलिए वो अपना काम फिनिश कर रहे। सुबह सुबह गए था, 6:30 बजे गया था। यस, तब तक वो कोई भी नहीं आए थे ना, जो हम लोगों ने हेल्पर वगैरह रखे थे आप बोल रहे थे वो भी नहीं आए थे, तब हेमल वहाँ पे पहुँच गए थे। चलिए अभी जाना है ना। चलिए चलिए, तो अभी वेडिंग हॉल पे मैं पहुंच गई हूँ और आज ना दोपहर के टाइम को ही आ गई हूँ। अब अंदर जाते हैं, उसके बाद आवाज तो बाहर तक आ रही है। और हाँ, ये बता देना चाहती हूँ कि वेडिंग हॉल का मेन गेट दूसरी तरफ है, हम तो किचन एरिया में होते हैं इसलिए पिछले वाला जो गेट है ना वही यूज करते हैं हम लोग, वरना वेडिंग हॉल तो दूसरा ही है, बहुत बड़ा। अभी मैं कोमल भाभी को कॉल कर रही थी और कोमल भाभी यहाँ पे गेट पे है। कोमल भाभी, सीधा ऐसे कॉल मैंने लगाया और सीधा वहाँ गेट पे दर्शन हो गए दोनों के। हाय पार्थ, सीधा बैग लेके आ, क्योंकि कल एग्जाम है, बैग लेके आना पड़ेगा। एग्जाम है तो क्या करें? क्या करें, पर कुछ हो नहीं सकता। पार्थ, ट्यूशन में जाना है 6 बजे, मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जाम जाना पड़ेगा, क्यों पार्थ? और यहाँ पे मैं बता रही थी ना, पूरा किचन एरिया है, तो ये पूरा किचन एरिया ही, यहाँ पे सब वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे कुकिंग होता है, वो है वेडिंग हॉल, वेडिंग हॉल तो यहाँ से उस साइड पे है और यहाँ पे सब वो खाना बनता है ना ढेर सारा, इसलिए हम यही पे बनाते हैं। चलिए अभी थेपले बनाते हैं और फिर फ्राई करेंगे। कोमल भाभी घर से गरम गरम चाय बना के लेके आए हैं, थेपले तो देखिए, चाय गुजराती में चाय होता है और थेपले तो देखिए जरा, तो पूरा ये भर गया है और सब काम भी कर रहे हैं। अभी भी स्टार्ट है, अभी तो इतने सारे बाकी हैं। लीजिए मैं चाय में हेल्प कर देती हूँ। बाय 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 बाय, पीनी है आपको चाय? अभी नहीं, तो नहीं मिलेगी। फ्राई तो अभी टाइम है, पहले तो मेला भी बाकी है, अभी आटा भी गूंदा जा रहा है, गूंदा हो रहा। पीछे ईशान भी आ गया। हाँ, अभी ईशान भी आ गया है, क्योंकि आज वो आया है, कल उसकी, आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए इसलिए कल नहीं आया था। क्या तुम चाय पी रही हो? नहीं, मैं नहीं पी रही हूँ, कोमल भाभी दे रहे हैं। अच्छा, सभी को? अभी इसमें ये पूरा भर के था, अभी खाली हो गया। क्या भर? चाय। उल्टा उल्टा करेंगे वो भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज ही है।
सर्व करने की प्लेट अच्छी है, बहुत अच्छी, इसे चीबा बोलते हैं गुजराती में। क्या चीबा? चीबा बोलते हैं। ललता कोई ना फोन ही बना दिया। होने जा रहे, अभी थोड़ा वक्त है, बाकी है अभी। हमें ऐसे ही बुलाया है वहाँ पे, तुमने बोला गया, हमें बोला गया ऐसे। चलो तो जाओ, ठीक है, काम कर। ज्यादा मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, इन दोनों को अलग करके फिर ये सीखेंगे, क्योंकि कोई कोई एकदम से गरम गरम खुशबू आ रही है। ईशान भी आ गया है, वैसे तो कब से आ गया है, पर आके सीधा वो भी काम में लग गया है। हाय। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, सबकी एग्जाम। अभी ना रांदल माँ की लाइव प्रसादी बना रहे हैं, और आज देखिए हम भी जल्दी आए हैं ना, तो हमें भी मौका मिल गया था, लेट हो गया था, इसलिए सब साथ मिलके हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार साथ मिलके प्रसादी बना रहे हैं। बड़े से लेके छोटे तक, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उससे लेके बैठ गई हूँ मैं, चारों तरफ थेपला ही है, देखिए कोमल भाभी वहाँ घूम रहे हैं, और अभी अभी दृष्टि और दीपिका भाभी आए हैं। हाय दृष्टि, जय श्री कृष्ण दीपिका भाभी। हाय, लेट लेट आए आज, क्योंकि काम था, उसे थोड़ा मार्केट में काम था, दूसरा काम था, इसलिए वो लेट आए। वापिस से चाय पी रहे हैं सब लोग, क्योंकि चाय पीने वालों को कभी चाय की कमी महसूस।
मैं भी पीऊंगा। फ्राई करना बाकी है ना? यस, फ्राई करना बाकी है। आप लोगों को करना है फ्राई दोनों को? नो वे, फ्राई तो नहीं करना है, लेकिन कोई आज तैयार माल खाना दे दे तो खा लेंगे। राइस, राइस मसाला डोसा, मसाला डोसा नहीं खाने की इच्छा हो रही है। राइस चलेगा, पुलाव चलेगा, पाव भाजी भी चलेगी। हाँ, अगर कोई भिजवा सकता है तो भिजवा, पानीपुरी भी चलेगी, सब चलेगा। यहाँ पे नूडल्स बोल रहा है। सारे थेपले अच्छी तरह से बेले के हम लोगों ने रख दिए हैं। वैसे बेल तो कब के गए थे, अब से फ्राई करना है बाकी। तो भी थोड़े बहुत फ्राई हुए हैं, बट हम लोगों ने पूरा यहाँ पे क्लीन कर दिया है। मजा आया? yes. दोनों को मजा आया? yes. अभी भी थोड़ा क्या खेलने। क्या खेलने में? खेलने में तुम्हें तो खेलना ही था ना, पर काम भी किया ना तुम दोनों ने, मजा आया ना? उसमें मजा आया, अच्छी बात है। चलिए अभी हम भी जाते हैं घर पे। पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, फ्राई भी हो गया है। थोड़ा बहुत वहाँ पे है, वो फ्राई करना बाकी है। वो जेंट्स लोग सब लोग कर रहे हैं, अभी घर पे चलती हूँ मैं। यहाँ से सब लेडी सब जा रही है घर पे, तो चलिए हम भी चलते हैं घर पे। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया सब लोगों के साथ मिलके ऐसे काम करने में, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और टाइम का पता ही नहीं चलता है, अभी रात के 11:00 आई थिंक 15-20 मिनट का टाइम हो गया है, और ये लोग तो फ्री हो गए तो रात का 1:00। इतना सारा काम, बहुत ज्यादा ही काम किया, बट ना अच्छा लगा, क्योंकि माता रानी का प्रसाद बनाते हैं ना तो दिल से वो कहते हैं ना खुशी होती है, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे हाथों से माता रानी का इतना सारा प्रसाद बनता है। एंड देन उसके बाद हम लोग सेल करते हैं, तब सब लोग लेके वो माता रानी को ही अर्पण करते हैं। सो ढेर सारी खुशी होती है दिल से, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे भी अभी वहां पे फ्राई का काम स्टार्ट है, अभी जेंट्स सब है वो फ्राई कर रहे हैं और हम लोग आ गई क्योंकि खाना बनाना बाकी है। अभी फटाफट से नीचे किचन में जाके रात का गरम गरम सा डिनर बनाती हूँ और व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबका गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard.